There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक रैली में जानलेवा हमला हो गया। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी हमलावर ने इन पर कई राउंड गोलियां चलाई। गोलाबारी में पूर्व राष्ट्रपति घायल हो गए। इंटरनेट पर घटना की आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके एक कान से खून बह रहा है। गोली चलते ही ट्रंप अपने दाहिने कान पर हाथ रखते हुए डायस के नीचे झुक जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच जाती है और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगते हैं। इसके फौरन बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। वहीं ट्रंप ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे एक गोली लगी जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। बता दें कि जैसे ही गोलियां चली, ट्रंप ने अपने दाहिने कान को पकड़ा, फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठने से पहले उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जल्दी से वहां पहुंचे और उन्हें कवर किया। वो लगभग एक मिनट बाद बाहर निकले। हमले के बाद ट्रंप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ट्रंप के पास मंच पर स्नाइपर्स खड़े नजर आ रहे हैं और ट्रंप को पकड़ लेते हैं। गोली चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, तभी ट्रंप ने अपने दाहिने हाथ से अपना दाहिना कान पकड़ लिया, फिर उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाते हैं, फिर पोडियम के पीछे अपने घुटनों के बल बैठ गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच यहाँ के प्रमुख नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ी हिंसक वारदात को अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया। ये फायरिंग की घटना पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई है। घटना के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट तुरंत मंच से बाहर ले गए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा की। I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. They apparently he's doing well. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. The reason why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. सोशल मीडिया पर इस घटना का पूरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के बाद वो वहीं पर पोडियम पर झुक जाते हैं। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। वायरल वीडियो में ट्रंप के कान से खून भी बहता हुआ देखा जा सकता है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, जांच की जा रही है। बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड गोलिंडगर ने कहा कि संदिग्ध बंदूकधारी को भी मार गिराया गया है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, वो महज एक सेंटीमीटर गोली से बच गए, वरना यह हमला बेहद ही खतरनाक हो सकता था। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर ओर से प्रार्थना की जा रही है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।